अस्सलाम वालेकुम। घर में बच्चों की हो कोई पार्टी या हो वीकेंड या हो कोई भी त्योहार का मौका, मैं कहूंगी हर चीज के लिए ये रहेगी रेसिपी एकदम से परफेक्ट, क्योंकि ये पसंद आने वाली है हर किसी को, चाहे किसी भी एज के बंदे घर के अंदर हों। और एकदम मलाई जैसा चिकन, और जब वो खाएंगे तो बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे कि क्या ये घर में बनाया गया है। तो रेसिपी देखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा इसी तरह की रेसिपीज देखने के लिए। तो इसको बनाना शुरू करते हैं, मैं कहूंगी जो है बहुत आसान। चिकन स्टार्टर बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास एक ये चिकन ब्रेस्ट है, जिसको मैंने इस तरह से कट किया है कि इसका हर पीस सिर्फ 1 इंच का है, और बहुत ज़्यादा ये मोटा भी नहीं है। तो ये वजन में 250 से 300 ग्राम के करीब है, तो मैं इसको बॉल में निकाल लेती हूँ। क्वार्टर टीस्पून नमक डालेंगे, क्वार्टर टीस्पून ही काली मिर्च और दखनी मिर्च का पाउडर है, दखनी मिर्च यानी कि व्हाइट पेपर पाउडर, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच कसूरी मेथी डालूंगी, जिसको आज मैंने सेखा भी नहीं है, और ये जिस तरह से आता है बस उसी फॉर्म में, यानी कि थोड़ा बड़ा बड़ा। क्वार्टर टीस्पून चिली फ्लेक्स है, और 2 तीखी वाली मिर्च हैं, जिसको इस तरह से मैंने दर दरा ग्राइंडर में घुमा लिया है। आपको इसका पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ इस तरह से करना है। हाँ, कट करके भी डाली जा सकती है। इसमें एक अंडा डालेंगे, इससे क्या होगा ये एकदम से फ्लफी तैयार होगा। जब अंडा डालते हैं तो ये थोड़ा सा सोगी हो जाता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। 2 चम्मच इसमें इस वक्त बेसन भी डाला जा सकता है, ये डालेंगे तो एकदम व्हाइट रहेगा, इसलिए मैंने ये यूज किया है। और थोड़ा हरा धनिया है, पत्ते पत्ते लिए हैं, और आधा नींबू का रस डालते हैं, और 2 टेबल स्पून दही डाल देते हैं, और इन सब चीजों को करते हैं बहुत अच्छे से मिक्स। इस वक्त आप चाहें तो हल्का सा कहीं से चख भी सकते हैं, वैसे सब चीजें इतनी डालेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। अब हम इसको कवर करके छोड़ते हैं इतनी देर के लिए, जितने करते हैं हम इसकी बाकी की तैयारी। वैसे इसको 1 से 2 घंटे छोड़ा जा सकता है फ्रिज में। इसको 15 से 20 मिनट हो गए हैं रखे हुए, एक बार इसको हम और अच्छे से मिक्स करते हैं फ्राई करने से पहले। मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, मीडियम फ्लेम पर इसको गर्म कर लिया है, और अब हम ये एक एक पीस लेंगे और अच्छे से इस तरह से कोट करके हम इसको ऑयल में डाल देंगे। अभी भी मीडियम फ्लेम है, इसको 3 मिनट के करीब हो गए हैं, तो हम इसको थोड़ा सा अलट पलट देते हैं। बहुत जल्दी से आप इसको नहीं चलाइएगा। इसके अंदर अंडा डाला है, इसलिए बढ़िया सा कलर ऐसा आएगा जैसा कि हमने इसको बारबेक्यू किया हो, यानी कि हमने इसको सेका हो। तो बस हल्का सा ही मैंने इस तरह से किया है, सब पे कलर आने देते हैं। इसमें आपको इतनी क्वांटिटी में लगेंगी 7 से 8 मिनट। 6 मिनट हो गई हैं, कई पीसों पर एकदम परफेक्ट कलर आ गया है जैसा हमें चाहिए। तो जिन पर आ गया है बिल्कुल ऐसा कलर, तो उन्हें हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर, वैसे तो ये लाइट कलर भी अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा डार्क सेकेंगे तो एकदम लगेगा जैसे आपने इसको तैयार किया हो बारबेक्यू पर, है ना लाजवाब कलर। तो ये आधे पीस ये वाला कलर आ गया है, आधे सिक रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा और सिकने देते हैं। ये खाली आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, खाली इस तरह से भी खा सकते हैं, बहुत लाजवाब लगेंगे। 2 मिनट मैंने इनको और सेका है, और सब पीस पर आ गया है एक जैसा कलर, बहुत बढ़िया। इससे डार्क कलर के भी आप सेक सकते हैं, लेकिन मुझे ये एकदम परफेक्ट लग रहा है कलर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्लेम को बंद कर देते हैं। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है, बहुत बढ़िया ये सीख के तैयार हुए हैं। वही कढ़ाई वापस से ले ली है, और इसमें डाल देती हूँ मैं 1 टेबल स्पून ऑयल, और इसको हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। इतने बड़े लहसुन के 3 जवे थे, जिसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, यानी कि आपको कट करने हैं एकदम से महीन। तो मैं इनको थोड़ी देर तेल में भूनूंगी। थोड़ा लहसुन का कलर भूरा होने देते हैं, तो मैंने स्लो कर दिया है, और जितना लहसुन है उससे हाफ मैंने अदरक लिया है, उसको भी मैंने ग्रेटर से ग्रेट किया है। हम डाल देते हैं इसमें ये बटर, 2 टेबल स्पून बटर डाल देती हूँ मैं। जब ये लहसुन अदरक भुन जाए आप ये तब डालिएगा बटर, नहीं तो फिर बटर में ऐसा बढ़िया सा कलर नहीं आता है। फ्लेम हमारा स्लो है। 200 ग्राम हम इसमें डाल देंगे दूध से उतरी हुई मलाई, अभी मैंने हाफ डाली है, इतनी और डालूंगी मैं इसमें। मलाई डालने के बाद हमने इसको थोड़ी देर पका लिया है, अब हम इसकी सीजनिंग करते हैं।
तो 2 से 3 पिंच मैं डाल देती हूँ इसमें नमक, और 1/4 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। इसको थोड़ा सा यूं कर देते हैं ताकि ये आराम आराम से पकते रहें। 1/4 टीस्पून ही डाल देते हैं इसमें ये चिली फ्लेक्स, बस सिर्फ इतने ही। और इसमें डाल देते हैं 100 ग्राम मोजरेला चीज, और इसको थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। बस चीज डालने के बाद हल्का सा ही ऐसे करना है, और फौरन डाल देते हैं इसके अंदर ये वाला चिकन। लो फ्लेम है और ये आराम आराम से पक रही है हमारी चीज और हमारी ये क्रीम। बस इसको लेना है और इसके ऊपर यूं करके कोट करना है, यानी कि इसको अच्छे से मिक्स करना है। इतनी बढ़िया खुशबू आने लगी है ये जब पता चलेगा जब आप खुद इसको करेंगे तैयार। बहुत लाजवाब, और मैं कहूंगी कि बच्चों की तो आज एकदम से पार्टी है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे जब आप बनाएंगे ये वाली रेसिपी। बहुत बढ़िया। और इसमें डालेंगे इस वक्त थोड़ा हरा धनिया। आप इसको थोड़ा सा साइड से चख लें, मिर्च कम लगे तो आप इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं या फिर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। बहुत लाजवाब। बस इससे ज़्यादा मैं इसे पकाऊंगी तो ये एकदम से हार्ड हो जाएगी चीज। फ्लेम को बंद कर देते हैं और मेरी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। फ्लेम हमने बंद कर दिया है, इस तरह से ये ऑयल ऊपर आ जाना चाहिए, इतना ही ये ठीक होना चाहिए। ये एकदम से सोगी गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह की एकदम परफेक्ट डिश आपकी होनी चाहिए। अब करते हैं सबसे मजे का काम, यानी कि करते हैं इसकी प्लेटिंग, और इस गर्मा गर्म सी रेसिपी को फौरन से डाल लेते हैं बिल्कुल यहाँ पर। आज तो घर में सिर्फ आपको ही पता रहेगा कि ये रेसिपी बनाई है आपने, बाकी घर वाले तो सब समझेंगे कि आपने ये ऑर्डर करके मंगाई है रेस्टोरेंट से, यानी कि इतनी लाजवाब रेसिपी ये होने और बनने वाली है। तो ये रेसिपी आप कब ट्राई कर रहे हैं फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से आते हैं एक न्यू रेसिपी लेकर, इतने टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।